अब लेफ्ट साइड और राइट साइड के लिए प्रॉपर कैसे कैसे अलाइन करना है गाड़ी को, उसका मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। तब तक आपकी गाड़ी जो है सेफ रहेगी, आप ओवरटेक कर सकते हैं। मैं अपने स्टेयरिंग को देखिए सीधा कर लूंगा ना, तो मेरी गाड़ी जो है बिल्कुल क्लोजली निकल जाएगी। एज अ बिगिनर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई अपनी गाड़ी को जो है ना, देखिए बगल में देखिए कितने क्लोजली निकली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि जजमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब लेफ्ट जजमेंट और राइट जजमेंट ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ज़्यादातर लोगों को लेफ्ट साइड में ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि भाई लेफ्ट साइड देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और मैक्सिमम टाइम हम जब ओवरटेक करते हैं ना, तो भी प्रॉब्लम होती है नए नए ड्राइवर्स को। तो सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप लेफ्ट साइड का जजमेंट कर रहे हैं, वो सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको दिखाएंगे कि लेफ्ट साइड का जजमेंट कैसे कैसे करना है, और अगर आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो उसका भी आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो भी सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। जजमेंट एक ऐसी चीज है ना, जो टाइम के साथ प्रैक्टिस के साथ आती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे रोड पे ना, उतना ज्यादा ही आपका हाथ जो है गाड़ी में ज्यादा साफ होगा, जजमेंट आपको ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। पर स्टार्टिंग में ना मेहनत आपको करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आइडिया लीजिए, रेफरेंस पॉइंट आपको लेना है, वो सारा इस वीडियो में आपको बताएंगे। और जल्दबाजी ना करते हुए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, जिससे कि कभी भी गाड़ी टच नहीं होगी जब भी आप गाड़ी को जज कर रहे हैं, स्पेशली गाड़ी खड़ी करते टाइम या ओवरटेक करते टाइम। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन हिट कर दीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा समझ में आती है इससे, या आपके डाउट क्लियर होते हैं, तो प्लीज वीडियो को एक थम्स अप जरूर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जजमेंट के लिए मैंने आपको बताया था ना कि सेंटर मार्किंग आपको रेफरेंस लेना है। अब लेफ्ट साइड वाले प्रॉपर कैसे कैसे अलाइन करना है गाड़ी को, उसका मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। चलते हुए बात करते हैं रोड पे, क्योंकि रोड पे जब आप चलते हुए देखेंगे ना, तो प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे कैसे आपको गाड़ी को कंट्रोल करना है। क्योंकि भाई रोड पे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कैसे कैसे इस मार्किंग को कंसिडर करना है। अब देखिए, अगर आपके मन में ये डाउट है ना कि ये जो मार्किंग है, इससे आपके लेफ्ट टायर पता चलते हैं या फिर आपका जो है लेफ्ट साइड का कॉर्नर, तो आपको आसान शब्दों मैं बता देता हूं कि ये जो मार्किंग है ना सेंटर की, जो हम डैशबोर्ड को हाफ में डिवाइड करके मार्किंग लेते हैं ना, जो मैंने स्टिकरिंग करी है, इससे भाई आपको अपनी जो गाड़ी है ना, इसका जो लेफ्ट साइड है वो जज होता है। लेफ्ट साइड मतलब जो लेफ्ट कॉर्नर होता है ना, उसका जजमेंट मिलता है इस सेंटर मार्किंग से। देखिए, सामने वाली गाड़ी को आप जब तक लेफ्ट में रखेंगे, तब तक आपकी गाड़ी जो है सेफ रहेगी, आप ओवरटेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो ये राइट साइड की मार्किंग है ना, जो स्टेयरिंग के राइट साइड से निकलती है, देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, इससे हमें राइट कॉर्नर का पता चलता है। अब देखिए, राइट कॉर्नर, राइट टायर एक ही जगह पे रहेगा, क्योंकि भाई देखिए जो राइट टायर होता है ना, उससे ही थोड़ा आगे निकल के जो राइट का कॉर्नर है ना, वो हमको विजिबल होता है। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप साइड में पार्किंग कर रहे हैं या आप जजमेंट ले रहे हैं ना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों मार्किंग है ना, इनसे आपको अपनी गाड़ी का जो है कॉर्नर पता चलता है, जिससे कि भाई आपकी गाड़ी कहीं पर भी हिट नहीं होगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी को जज करना है। तो अब देखिए, सामने वाली गाड़ी जब तक भी हमारी भाई ये सेंटर मार्किंग के लेफ्ट में रहेगी ना, तब तक आप सेफली ओवरटेक कर सकते हैं। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, कोई भी ऑब्स्टिकल है वो जब तक भाई ये सेंटर मार्किंग के लेफ्ट साइड में रहेगा ना, तब तक वो सेफ है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे ही आपको जजमेंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी मैं यहां पर गाड़ी लगाता हूं, और देखिए अभी ये गाड़ी जो है मेरे सेंटर मार्किंग से राइट की तरफ है। तो अभी अगर मैं सीधे निकालने की कोशिश करूंगा या ज़्यादा सटाके निकालूंगा ना, तो गाड़ी टच हो जाएगी। अब सेफली निकालने के लिए देखिए, जब सामने वाली गाड़ी जो है मेरी सेंटर मार्किंग के लेफ्ट में आ जाएगी ना पूरी, तब मैं जाके अपना स्टीयरिंग व्हील को सीधा करूंगा। देखिए अभी भी नहीं आई है, अभी मैं सीधा नहीं करूंगा। देखिए अब ये निकल चुकी है ना लेफ्ट में। अब मैं अपने स्टीयरिंग को देखिए सीधा कर लूंगा ना, तो मेरी गाड़ी जो है बिल्कुल क्लोजली निकल जाएगी। अब बगल में देखेंगे ना आप, कितना मेरी गाड़ी क्लोजली निकली है, देखिए आप मिरर में देख सकते हैं। तो आपको दिक्कत नहीं होगी जब तक आप ये जजमेंट लेके चलेंगे रोड पे। अब इसमें एक और डाउट आता है भाई कि देखिए, जब भी हम हाईवे में चलते हैं ना, तो भाई एक हमारी लेफ्ट साइड लेन होती है और एक हमारी राइट साइड लेन होती है। मतलब एक फास्ट लेन होती है जो हमारी राइट साइड की होती है, और एक स्लो मूविंग लेन होती है जो लेफ्ट साइड की होती है। उसमें आपको कैसे चलना है वो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा कि उसमें भी ये जजमेंट कैसे काम आता है। पर एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप रोड पर चल रहे हैं ना, ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमेशा आपको इस जजमेंट का ध्यान रखना है जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं लेफ्ट की ही बात करूंगा, ताकि आपको जो है अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट भी दिखाऊंगा कि भाई ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे आपको जज करना है, कि भाई मेरी गाड़ी से कितना सेफ डिस्टेंस रहेगा। अब एक और चीज इसमें याद रखिए, जो ये सेंटर मार्किंग होती है ना, ये आपकी गाड़ी की जो है कॉर्नर की
जजमेंट भी बताती है। ऐसा नहीं है सिर्फ ओवरटेक में काम आएगी। देखिए अभी मुझे अपनी गाड़ी को देखिए कॉर्नर पे लगाना है ना, तो मुझे इजीली जज होगा अपनी ये सेंटर मार्किंग की वजह से। अब देखिए अब लेफ्ट में मुझे ज़्यादा सटा के गाड़ी लगानी है, नए नए ड्राइवर जो होते हैं उनको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता है, तो भाई उसके लिए सेंटर लाइन से आप इसको मैच करिए। देखिए कैमरे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर मुझे अपना जो है इस लाइन को अलाइन करना है अपने जो है वाइट लाइन पे। तो भाई देखेंगे आपकी मेरी गाड़ी का जो टायर है ना वो एकदम वाइट लाइन पे आएगा। देखिए ऐसे ही आपको जजमेंट लेना है गाड़ी का जब भी आप चलाएंगे। तो लेफ्ट में ज़्यादा कॉर्नर में अगर आपको पार्क करनी है गाड़ी, तो ये भाई सेंटर मार्किंग का ही आपको जजमेंट लेना है। जैसे ही आप इसको अलाइन कर देंगे किसी भी चीज़ से जहाँ पर आपको कॉर्नर में लगाना है, जैसे वाइट लाइन हो गई, तो आपका टायर जो है बिल्कुल ये वाइट लाइन के ऊपर आएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी जब भी आप गाड़ी का जजमेंट कर रहे हैं। अब ऐसे ही आपको गाड़ी को जज करना है। देखिए मैं आपको टायर दिखा देता हूं एक बार। देखिए अब इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना, तो भाई लेफ्ट साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि भाई लेफ्ट साइड जब हम ओवरटेक करते हैं ना तो लेफ्ट साइड का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेफ्ट में देखिए अभी एक और यहाँ पर गाड़ी खड़ी है। अब देखिए जब तक ये राइट में है ना मैं इसको ओवरटेक नहीं कर सकता, मुझे इसे अपने लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा। देखिए जैसे ही ये लेफ्ट में आएगी ना मैं अपने स्टीयरिंग को सीधा करके निकाल दूंगा। देखिए कितना क्लोज जो है बगल से, देखिए कितना क्लोज मैंने ओवरटेक करा है। तो ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी का जजमेंट करना है। कुछ टाइम बाद आपको भाई इस रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमेशा क्या मुझे ये मार्किंग अंडरस्टैंड करके चलनी है, तो ऐसा नहीं है। देखिए कुछ टाइम बाद जो है आप इसको नहीं भी कंसिडर करेंगे तो आपको गाड़ी का जजमेंट आ जाएगा। ये एज अ बिगनर ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एज अ बिगनर हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है जब भी हम गाड़ी का जजमेंट लेते हैं। तो आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, ये सेंटर पॉइंट से ही आपको अलाइन करना है कॉर्नर को। जब भी आप क्लोज पार्किंग कर रहे हैं या फिर ओवरटेक कर रहे हैं, तो सामने वाली गाड़ी को आपको ये सेंटर पॉइंट के लेफ्ट की तरफ मतलब बाईं तरफ रखना है, ताकि आप सेफली ओवरटेक कर सकें। तो ऐसे ही आपको जजमेंट लेना है लेफ्ट साइड का। एज अ बिगनर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि भाई अपनी गाड़ी को जो है ना बहुत ज़्यादा क्लोज पार्क मत करिए किसी भी सामने वाली गाड़ी के, या फिर कॉर्नर में ज़्यादा ना लगाएं, या फिर ओवरटेक करते टाइम ना बहुत नज़दीक से ओवरटेक ना करें। सेफ डिस्टेंस लेके ओवरटेक करेंगे ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप सेफली जो है किसी भी ऑब्स्टिकल से क्रॉस कर जाएंगे बिना उसको हिट करे हुए। तो ऐसे ही आपको जजमेंट लेना है कि आप जब भी गाड़ी चला रहे हैं ना, तो कोई भी चीज़ अगर राइट साइड पर आएगी तो उसको कैसे सेफली बचाना है वो मैं अभी आपको हाईवे पर बताऊँगा अभी आगे चल के, क्योंकि वहाँ पर भाई ईजिली ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगी कि जब भी आप ओवरटेक कर रहे हैं और आप जो है गाड़ी की लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहे हैं ना, तो आपको भाई मार्जिन कैसे लेना है, क्योंकि भाई हमेशा हम इस तरफ से तो ओवरटेक नहीं करेंगे। तो उसके लिए इजी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी और ये सेंटर पॉइंट से ही आप दोनों तरफ का जजमेंट ले पाएंगे। तो चलिए आगे हाईवे पे चल के बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों जब भी मैंने आपको बताया था कि हमें भाई लेफ्ट साइड अपना बचाना है ना, तो सेंटर मार्किंग से सामने वाली गाड़ी को हमें लेफ्ट में रखना है ताकि हम सेफली ओवरटेक कर पाएं। अब मैं आपको राइट का बता देता हूं कि भाई राइट से अगर आप यही जजमेंट लेंगे तो किस तरह से लेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं अपने जो है राइट साइड पे चल रहा हूं और भाई मुझे सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है राइट साइड का जजमेंट लेके, तो इसमें भी सेम वही चीज फॉलो होगी। बस आपको ध्यान रखना है जैसा आपने भाई सेंटर से लेफ्ट रखी थी गाड़ी ना, जब आप उल्टा ओवरटेक करेंगे मतलब जब आप किसी गाड़ी के लेफ्ट से ओवरटेक करेंगे ना, तो भाई राइट साइड के जो कॉर्नर एज है विंडशील्ड का, इससे सामने वाली गाड़ी जो है हमेशा राइट की तरफ होनी चाहिए, तो आप सेफ रहेंगे। अब रोड पे चलते हुए देख लेते हैं कि ये चीजें कैसे कैसे अप्लाई होती हैं। ये देखिए अब देखिए सामने वाली गाड़ी जब तक यहां पर है सेंटर से इधर, देखिए मैंने इसको दबाया लेफ्ट की तरफ और सेफली ओवरटेक कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि कैसे आपको लेफ्ट से मार्क जजमेंट लेना है। अब देखिए मैंने अपने कॉर्नर को सेंटर से लेके अलाइन करा, तो मेरा जो टायर है ना अभी देखिए आप वहाँ मिरर पे देख सकते हैं कि बिल्कुल कॉर्नर पे है, मतलब जो ये एज दिख रहा है आपको मिट्टी का और घास का ना, बिल्कुल एज पे आया है क्योंकि मैंने सेंटर का जजमेंट लिया है। अब देखिए सामने जो गाड़ी है ना, अब इसको मैं बहुत ज़्यादा क्लोज पार्क करूँगा, क्लोज पार्किंग पे एक वीडियो अलग से बना दूंगा, पर आप देख सकते हैं मैं इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा क्लोज पार्क करूँगा। ये देखिए अब कितना ज़्यादा क्लोज है ये आपको इजीली पता चल जाएगा इस वीडियो में। ये देखिए लगभग 2 से 2.5 फीट का डिफरेंस है बस, जिसमें कि भाई मेरी गाड़ी जो है अच्छे से पार्क हो गई एक ही बार में। ये जजमेंट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप एक बार में ही क्लोज पार्क कर सकते हैं फ्रंट का जजमेंट लेके, पर मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको अगर आपने गाड़ी क्लोज पार्क करी है किसी के, तो ईजिली कैसे निकालना है बिना एक्सीडेंट किए। अब देखिए
भाई इसके लिए भी एक ट्रिक होती है, सामने वाली गाड़ी को सेम आपको भाई वही अपना जो सेंटर पॉइंट है इसे लेफ्ट करना है, जिससे कि दिक्कत नहीं होगी और आप इजीली सामने वाली गाड़ी को क्रॉस कर जाएंगे। अब इसका एक और तरीका है भाई, वो मैं आपको फ्रंट जजमेंट में बताऊंगा कि बिना सेंटर मार्किंग लिए भी आप किस तरह से गाड़ी को सेफली निकाल सकते हैं। पर इस पॉइंट में मुझे अपने स्टेयरिंग को देखिए पूरा टर्न करना है, अगर सामने वाली गाड़ी टर्न करते टाइम ये सेंटर मार्किंग के लेफ्ट में आ जाएगी तो मेरी गाड़ी सेफली निकल जाएगी। देखिए अभी नहीं आई है, जैसे ही देखिए अभी नहीं आई है ये देखिए अब आ गई है ना। अब मैं अपने स्टेयरिंग को सीधा कर दूंगा ना, देखिए तो मेरी गाड़ी देखिए बगल में देखिए कितने क्लोजली निकली है। तो ऐसे हमें आइडिया लेना होता है। स्टेयरिंग आप तब तक टर्न करते रहिए जब तक कि भाई आपकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी को पूरी लेफ्ट की तरफ देती सेंटर मार्किंग के, उसके बाद आप गाड़ी को अपना निकालेंगे ना स्टेयरिंग सीधा करके भी, तो आपकी गाड़ी टच नहीं होगी। ऐसे ही क्लोज पार्किंग में निकालना होता है हमको जब भी हमारी गाड़ी जो है पार्क होती है किसी गाड़ी के जस्ट पीछे, यही वो तरीका है। इसके अलावा जजमेंट का एज अ बिगनर आपको दूसरा तरीका अगर आप फॉलो करेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगी। हमेशा सेंटर रेफरेंस ही लेके चलें, और तरीका मैंने आपको बता दिया किसी गाड़ी के पीछे अगर आप क्लोज डिस्टेंस पे है ना तो भाई निकालने का तरीका वही है, अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को जिस डायरेक्शन में आपको गाड़ी को निकालना है ना उधर टर्न करना है और गाड़ी को आप बढ़ाते रहिए आगे। अगर आगे वाली गाड़ी पूरी लेफ्ट की तरफ चली जाती है ये सेंटर पॉइंट के तो भाई आपकी गाड़ी सेफली निकल जाएगी। अगर आप टर्न करा है स्टेयरिंग व्हील तो भी आप गाड़ी निकाल रहे हैं पर वो जो गाड़ी है वो अभी भी राइट की तरफ है ना सेंटर पॉइंट के, तो मतलब आपकी गाड़ी कोलाइड कर जाएगी, आगे नहीं निकलेगी। जैसे ही वो पूरी गाड़ी लेफ्ट की तरफ हो जाएगी ना आप अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग सीधा करके और गाड़ी को स्ट्रेट निकाल सकते हैं। ये सबसे ईजी तरीका है जब आप अपनी गाड़ी को पार्किंग से निकाल रहे हैं या किसी के पीछे क्लोज पार्किंग से निकाल रहे हैं, तो यही वो तरीका है। इसको फॉलो करेंगे ना आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी एक और जगह मैं आपको ये दिखा देता हूँ सेम चीज़ करते हुए कि कैसे कैसे आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स मैं ये सामने वाली गाड़ी के ना बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में लगाऊंगा और फिर आपको निकाल के दिखा दूंगा कि गाड़ी जो है कैसे एक बार में निकल जाती है। अभी देखिए सामने वाली गाड़ी जो है ना ये मेरे सेंटर पॉइंट के बहुत ज़्यादा राइट पे है, अभी ये गाड़ी नहीं निकलेगी अगर मैं स्टेयरिंग सीधा करके निकालूंगा। मुझे सामने वाली गाड़ी को जो है सेंटर पॉइंट के लेफ्ट में करना पड़ेगा, जिसके लिए भाई मैं अपने स्टेयरिंग को जो है पूरा राइट की तरफ काटूंगा। अब मैं धीरे धीरे गाड़ी को आगे निकालूंगा जब तक ये गाड़ी भाई मेरे जो है सेंटर पॉइंट के लेफ्ट में नहीं हो जाती। अब देखिए अब ये लेफ्ट की तरफ जाने लग गई, थोड़ा सा और बचा है, ये देखिए अब ये पूरा लेफ्ट की तरफ निकल गई है। अब मैं अपने स्टीयरिंग व्हील को सीधा करूंगा और भाई गाड़ी को जो है सीधा निकाल दूंगा। अब देखिए कितना क्लोज कांटेक्ट में मेरी गाड़ी इससे निकलेगी। अब आप देखिएगा बगल में मिरर पे देखिएगा, ये देखिए। तो यही वो तरीका है जिससे कि भाई आपको अपनी गाड़ी को किसी भी गाड़ी के पीछे अगर खड़ी है तो सेफली निकाल सकते हैं। बस उसको ये सेंटर पॉइंट के लेफ्ट की तरफ कर दीजिए, फिर आप अपनी गाड़ी को जो है स्ट्रेट करके निकाल सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही वो तरीका है जो आपको फॉलो करना है जब भी आप रोड पर चल रहे हैं, जिससे कि भाई कभी भी कोलिजन नहीं होगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जजमेंट को लेके, स्पेशली लेफ्ट वाला जजमेंट गाड़ी का जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है स्पेशली नए ड्राइवर्स को जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट आपके मन में रहता है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, कोई सा भी डाउट हो जजमेंट से रिलेटेड या कोई और भी डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।